पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखबीर कटारिया के कब्जे से सरकारी जमीन खाली कराई जाएगी। 200 करोड़ से ज्यादा कीमत की सरकारी जमीन खाली कराई जाएगी। डीटीपी एनफोर्समेंट ने कब्जाधारियों को नोटिस दिया है। 15 दिन के अंदर अंदर कब्जा हटाने के आदेश। पूर्व मंत्री कटारिया समेत 6 लोगों पर अवैध कब्जा करने के आरोप हैं। तो डीटीपी अब पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। अब क्या किया गया कि नोटिस दे दिया गया। नोटिस आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये सुखबीर कटारिया समेत 6 लोगों को दिया गया है सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के। कटारिया समेत 6 लोगों पर आरोप है। 15 दिन में ये कब्जा या तो छोड़ दिया जाए, ये जगह ये जमीन खाली कर दी जाए, या फिर डीटीपी की ओर से आने वाले दिनों में एक्शन लिया जाएगा। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सुखबीर कटारिया के कब्जे से सरकारी जमीन खाली कराई जाएगी। 200 करोड़ से ज्यादा कीमत की सरकारी जमीन को डीटीपी खाली करवाने वाला है। तो डीटीपी एनफोर्समेंट ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया है। हम साथ साथ स्क्रीन पर आपको नोटिस भी दिखा रहे हैं, जिसमें सुखबीर कटारिया समेत 6 लोगों के नाम है। इनको वक्त दिया गया है 15 दिन का टाइम है, जिसमें ये कब्जा इनको छोड़ना है, जगह खाली करनी है। 15 दिन में अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। तो 15 दिन में कब्जा छोड़ने की बात कही गई है। संजय राठौर हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हैं। संजय, सुखबीर कटारिया समेत 6 लोगों को कब्जा हटाने के आदेश दिए गए हैं, नोटिस जारी किया गया। जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पिछले हम बात करें, सन 1972 से इस जमीन पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया गया था, और उसके बाद अब संज्ञान लेते हुए डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग की तरफ से 15 जो कब्जा धारक है उनको एक नोटिस तो जरूर थमा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें HSIDC और साथ ही साथ हुडा विभाग यानी कि DTP विभाग इन्फोर्समेंट के द्वारा जरूर इन पर कार्रवाई करने की बात जरूर कही गई है, और इससे पहले भी इनको नोटिस दिए गए थे, लेकिन अभी तक वो कब्जाधारी कहीं ना कहीं उस जमीन पर कब्जा करे हुए हैं। और लाखों करोड़ों रुपए की मैं बात करूं, क्योंकि पिछले काफी सालों से लगातार ये जो प्रॉपर्टी है इसको लीज पे दिया गया है, किराए पे दिया गया है, और उसका किराया ये तमाम लोग वसूल रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब DTP विभाग का कहीं ना कहीं अब इन जो वो माफिया हम कह सकते हैं और साथ ही साथ कब्जाधारी कह सकते हैं, अब इन पे कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए आप इनको नोटिस जरूर जारी कर दिया। अब देखना ये होगा कि पिछले अगले 15 दिन के अंदर पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया सहित अन्य जो लोग हैं, क्या इस भूमि से वो अपना कब्जा हटाएंगे या फिर इन्फोर्समेंट उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बिल्डोजर तव का प्रयोग करती नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। चलो बहुत शुक्रिया संजय, पूरी जानकारी आपने दी। तो टाइम दिया गया कि अगर इस टाइम के भीतर, समय के भीतर अगर ये कब्जा हटाते हैं, और अगर नहीं हटाते हैं तो उसके बाद देखना यह है कि DTP की ओर से क्या कदम उठाया जाएगा।